जय जोहार, हेलो, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी का। दोस्तों, आज बस एक छोटा सा राइड है उड़ीसा की तरफ के लिए, तो राइड कर रहा हूँ मैं, और बीच रास्ते में मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ। बाकी जो वीडियो है मोटो ब्लॉगिंग का आप देखिएगा इसके बाद में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं किया था। तो जाने देते हैं बस। तो अभी जो है ना, मैं हूँ उड़ीसा का रोड में। आप देख सकते हैं रोड जो है काफ़ी मस्त है इधर का, और रोड खाली खाली है। यहाँ पे बस एक छोटा सा झोपड़ी मिला था तो मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। झोपड़ी इन द सेंस क्या है, जैसे बारिश वारिश हो रही है तो रुक सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। कुछ है नहीं, चाय पानी वगैरह कुछ होता रहा होगा, लेकिन अभी कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं मेरी बाइक यहाँ पर पार्क है, मतलब खड़ी करके रखा हुआ हूँ बाइक को मैं, और टैंक बैग का यूज़ कर रहा हूँ। ये वाटर प्रूफ कवर भी है, तो कवर लगा रखा है मैंने। जब घर से निकला था सुबह से बारिश हो रही थी, तो रेन सूट वगैरह मैंने डाल लिया है, तो बारिश में भीगते हुए मज़ा आया राइड करने का। और आपको मैं दिखाता हूँ, इधर जो है ना जंगल जंगल है पूरा, ये जो रास्ता है ना पूरा जंगल जंगल है हर तरफ से, चारों तरफ, आपको चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ। ये मज़ा आया आज का राइड जो है, बहुत दिनों बाद, मतलब लॉकडाउन के बाद सेकेंड ये मेरा राइड था। एक तो छोटा राइड था लगभग 100 किलोमीटर का, ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो थोड़ा बड़ा मज़ा आया था। और बारिश जो है ना हल्की हल्की टिपिर टिपिर चालू हो चुकी है, हल्का हल्का फुहार जो है ना बारिश का आ रहा है। तो अभी मैं फिर से चालू करता हूँ अपना राइड, और मोटो ब्लॉगिंग का मज़ा लीजिए आप, रास्ते का मज़ा लीजिए मेरा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ उड़ीसा के लिए, और लॉकडाउन के बाद ये मेरा सेकेंड राइड है। पहला जो राइड था वो छोटा सा राइड था, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। ये थोड़ा सा लंबा राइड हो रहा है, और पानी जो है ना गिर रहा है, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो बाइक भी ज़्यादा स्पीड में नहीं चला पा रहा हूँ मैं। बारिश जो है ना अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, और बार बार जो कैमरा है ना, कैमरा के लेंस में पानी पड़ रहा है, तो मुझे साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद से क्लियर नज़र नहीं आता, पानी पड़ता है। सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, इस बोर्ड के बाद से शुरू हो जाता है उड़ीसा का बॉर्डर। इसके आगे में एक छोटा सा नदी है, नदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं नदी में पानी कैसे आ रहा है, मटमैला हो चुका है पानी यहाँ का। सामने का व्यू देखिए दोस्तों, काफ़ी मस्त लग रहा है, औसम लग रहा है, इतना अच्छा शानदार ग्रीनरी, मतलब पहाड़ पहाड़ हैं, बादल हैं, पानी गिर रहा है, और अगल बगल में हरियाली है। तो ऐसे मौसम में राइड करने का एक अलग ही मज़ा है, और एक राइड तो बनता ही है इस तरह के मौसम में। औसम लग रहा है मुझे तो, मतलब फीलिंग को मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कैसा फील कर रहा हूँ मैं। बहुत दिनों बाद एक तो मौका मिला है, और इस तरह के मौसम में वाह 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 वाह, क्या बात है। तो बस आप मज़े लीजिए राइड के। मैं यहाँ पे रुका हुआ था, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था फ्रेश होने के लिए, और बारिश अभी भी चली रही है, रुक नहीं रही है बारिश, तो इधर जाना है मुझे अभी। रोड तो काफ़ी अच्छा है और खाली भी है, तो बस चलते हैं, और लगभग 40 किलोमीटर के आसपास की दूरी बच गई है, तो जल्दी से पूरा करते हैं। इस तरफ में बारिश अभी बंद हो चुकी है, बस कभी कभी हल्की हल्की पड़ रही है। इस साल जो है ना हमारा सारा प्लान जो है ना चौपट हो गया है, ये कोरोना जो आया ना इसके चलते। हमारा बड़ा बड़ा राइड था, लद्दाख जाने का प्लान था, ऑल इंडिया राइड का प्लान था, और भी बहुत सारे प्लान थे, लेकिन कोरोना के चलते सारा प्लान हमारा धरा का धरा रह गया। पता नहीं कब जाने को मिलेगा, तो बहुत मिस कर रहे हैं वो सब दिनों को घूमने वाले। बाइक में राइड करने का आनंद ही कुछ और है। मैं अपना जो फीलिंग है ना वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। अगर आप बाइक राइड करते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है, दिल को कितना सुकून मिलता है राइड करने से। और रोड तो वाकई में इधर राइड करने लायक है, बहुत अच्छा है रोड यहाँ का। तो बस चलते हैं, और थोड़ी दूर और बचा हुआ है, फिर मैं पहुंच जाऊंगा जहां जाना है। मेरी बहन रहती है यहां पे, बहन के यहां पे, तो बस मैं पहुंचने वाला हूं। ये जो बस्ती आगे दिख रहा है ना, यहीं थोड़ा सा आगे में है, बहन का घर है। उसके बाद यहां से मुझे थोड़ा सा जाना है बेलपहाड़ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से फिर वापस आके सीधा निकलूँगा घर की तरफ में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अभी उड़ीसा में, और उड़ीसा में अभी बेलपहाड़ की तरफ अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, हॉस्पिटल जाना हुआ है, तो वहाँ जाते हैं फिर वापस आते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को जो मेरा मोटो ब्लॉग था वो मोटो ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। नज़ारे जो है ना रोड के साइड साइड का, हरियाली जो है बरसात के समय जो मज़ा आता है ना, वो उसको आपने देखा, मज़ा आया होगा, औसम लगा होगा आपको। और अगर लगा है वाकई में, तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है,
एक थम्स अप करना है, कुछ नहीं है, है ना, छोटा सा लाइक बस कर दीजिए, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। तो इधर का जो रोड है ना काफी चेंज हो चुका है। मैं बहुत पहले आया करता था, जब MBA का एग्जाम देता था उस समय आता था, तो उस समय कुछ और था और अभी कुछ और हो गया है। रोड वगैरह चेंज हो गए हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले रोड इतना खतरनाक था कि हालत खराब हो जाती थी बाइक वगैरह आने में। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। तो जी बस आ गए हम लोग, अभी इस गाड़ी की सवारी कर रहे थे हम लोग। ये है ब्रेजा, मारुति का ब्रेजा है, ब्रेजा में आ रहे थे। तो बस हॉस्पिटल की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। जो है ना ये पीछे जो बिल्डिंग आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हॉस्पिटल है और ये TRL का है। कॉलोनी है, ठीक है, कॉलोनी है। अच्छा, तो ये जो है बिल्डिंग है ना, ये हॉस्पिटल है और इस तरफ में अगर देखेंगे तो डॉक्टर्स की कॉलोनी है इधर में। तो बस थोड़ा सा आए हुए हैं और मौसम यहाँ भी बदली बदली है, बारिश तो खैर नहीं हो रहा है, रास्ते में ही बस बारिश मिला था मुझे। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ और फिर मिलते हैं कहीं पे। और बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। मम्मी कॉल भी सुना दे तुम और दादा सुशन कोई दे ए पानी बस चिरा जाए नेज पे माने काड़े दे केडी केई जुछवा आई तो बस दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ वापस रायगढ़ की तरफ, अपने घर की तरफ निकल गया हूँ मैं बहन के यहाँ से। और ग्लव्स वगैरह नहीं पहने थे, तो अभी बारिश जब नहीं हो रही है तो मैं ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ना लाइव चल रहा है, किसी का 4 बजे चालू होता है, तो उनका जो लाइव है मैंने मोबाइल पर ऑन करके रखा हुआ है। किसका है वो देख के समझ जाएंगे किसका लाइव चलता है 4 बजे। तो ग्लव्स वगैरह पहनता हूँ और निकलना है मुझे फटाफट, क्योंकि 7 बजे तक मुझे किसी भी हालत में जो है ना रायगढ़ पहुँचना है। और मौसम अभी ठीक ठाक है, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, आगे चल के पता नहीं किस तरह का माहौल होगा, क्योंकि रायगढ़ तरफ बारिश हो रही थी सुबह जब मैं आया था, इधर बारिश नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने प्रिकॉशन के लिए अपना रेन कोट वगैरह जो है ना रेन सूट वगैरह पहन लिया है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता, रास्ते में रुके मैं कहाँ पर पहनूँ, वो पॉसिबल भी नहीं होता है। तो अब चलते हैं फटाफट, रोड बहुत अच्छा है तो चलाने में भी अच्छा लग रहा है, तो फटाफट निकल जाऊंगा मैं तो। और इधर जब भी आता हूं मैं, मुझे ये अच्छा लगता है कि आप रोड के साइड साइड में जो देख रहे हैं ना हरा हरा, तो गर्मी में भी आएंगे तो आप रेस्ट कर सकते हैं, सुस्ता सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छा है यहाँ पर। और रोड देखिए कितना स्ट्रेट है, ये नहीं कि टर्न टर्न हो, रोड एकदम स्ट्रेट है, तो आपको दूर दूर तक देखिए पूरा साफ साफ नज़र आ रहा है रोड। ऐसे रोड में जो है ना राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है। इस तरह का रोड हमको मिला था बस्तर में, जब हम लोग मैं और कौशल जी गए थे बस्तर का जब राइड किए थे ना, वहाँ पे इस तरह का रोड मिला था, तो काफ़ी मज़ा आया था वहाँ भी राइड करने में, कौशल जी के साथ काफ़ी एंजॉय किए थे। तो अभी मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ में और ये कनकपुरा पार कर चुका हूँ। कनकपुरा कबीर चौक वाला रोड है, ये जो रोड है ये कंक्रीट का रोड बना हुआ है, सीमेंट का रोड बना हुआ है, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे गड्ढे हैं और बड़े ख़तरनाक गड्ढे हैं भाई, ट्रक वगैरह चलती है ना तो हो रखे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ NTPC है पास में, तो इसके लिए हैवी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। बाकी जो रोड है ना ये बहुत अच्छा है और डेंजरस है, क्योंकि इधर जो है ना गांव वाले हैं वो रोड अच्छा देख के भगाते हैं। तो बस मैं अभी पहुंचने वाला हूं, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय माता दी और जय छत्तीसगढ़। और मानसून के मज़े लीजिए और आप भी राइड करिए। We'll be right back.